राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती समारोह में पहुंचे सांसद बृजभूषण सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मन से प्रमुख को अयोध्या नहीं आने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो 2008 से ही राज ठाकरे को खोज रहे थे और अब जाकर उन्हें मौका मिला है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन साधु संतों का आंदोलन था, राष्ट्रीय स्वयं संघ का आंदोलन था, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, भारतीय लोगों का आंदोलन था और इन्हीं लोगों ने करोड़ों करोड़ राम भक्तों के मन में शिवसेना का जिस दिन ढांचा गिराया गया उस दिन कोई सहयोग नहीं था। मैं वहां मौके पर मौजूद था, एक महीना पहले से मौजूद था। जब तक सरकार ने उसको कब्जा नहीं ले लिया सेना ने, तब तक था और इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने बोला कि राम जन्मभूमि आंदोलन में ठाकरे परिवार का कोई हिस्सा नहीं था। हाँ, वैचारिक समर्थन था, समर्थन नहीं था, नहीं था, नहीं था, इस बात की गारंटी देते हैं। अरे ये कोई भी राम है, अयोध्या है, सब आ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है भाइयों, मैंने कहा कि जन्म से अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे, ये जात का बंटवारा, धर्म का बंटवारा, मजहब का बंटवारा सब बहुत बाद में चल चुके हुआ है।